हेलो एवरीवन, मैं सचिन बोर फोटो आर्टियो में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने प्रियदर्शनी जी से बात किया था और मेरे मन में जो सवाल थे, मैंने कई सवाल उनको पूछे थे न्यूबॉर्न फोटोग्राफी के अकॉर्डिंग। तो सवाल बहुत कुछ और भी है, लेकिन मैं कुछ दो चार सवाल आज प्रियदर्शनी से करना चाहूँगा कि अगर मुझे स्टार्टअप करना है न्यूबॉर्न फोटोग्राफी, तो मैंने किस तरीके से स्टार्टअप करना चाहिए। आपके जो स्टूडियो है उससे ही आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो हमारा अगर स्टूडियो, अगर छोटा भी स्टूडियो है, तो स्टार्ट करने के लिए उतना बेटर रहेगा, क्योंकि जितना भी देखा है हम लोगों ने काम, तो बहुत बड़े बड़े स्टूडियो दिखते हैं। अभी आपने जैसे बताया कि आप फॉलो कीजिए, अब इंटरनेशनल सेशंस को भी मैंने देखा, तो बहुत बड़े बड़े स्टूडियो वहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत प्रॉप्स दिख रहे हैं वहाँ पर, बहुत लाइट्स में भी अलग अलग वैरायटी दिख रही है। तो क्या अब हमारा अगर छोटा भी स्टूडियो रहेगा तो उसमें भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? छोटा स्टूडियो तो मैं उतना सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मिनिमम 10x15 का एरिया अगर आपकी स्टूडियो में फ्री स्पेस है, मतलब आपका जो स्टोरेज है वो सब साइड अगर हम लोग कर दे तो मिनिमम 10x15 का एरिया लगता है। ओके, और उससे भी अगर थोड़ा और बड़ा भी रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट? ज़्यादा बेटर। ओके ओके, तो जैसे अगर मैं स्टार्टअप ये कर रहा हूँ न्यूबॉर्न फोटोग्राफी का, तो उसमें मेरे क्या प्रॉप्स होने चाहिए और वो कैसे कितने होने चाहिए? क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं प्रॉप्स पहले खरीद लूँ तो शायद मेरे स्टूडियो में ज़्यादा काम आएगा और वो प्रॉप्स देख के लोग ज़्यादा आएंगे, तो क्या आपका सजेशन रहेगा? मैं तो स्टार्टिंग में सजेस्ट करती हूँ कि आपके पास 3 से 4 प्रॉप रहेंगे। तो उतने में हो पाएगा, लेकिन ये डेफिनेटली ओके। तो 3 से 4 प्रॉप का आप कैसे वेरिएशन स्टाइल में आप यूज कर सकते हो, वो आपका स्किल। लेकिन ये अगर ये 2-4 प्रॉप्स में मुझे अगर ये करना है तो ये स्किल डेवलप करने के लिए मैं क्या करूँ? ये स्किल डेवलप करने के लिए आपको बहुत सारे फोटोज देखने होंगे कि सेम प्रॉप्स के साथ आप कितना वेरिएशन कर सकते हो। ओके ओके ओके, तो आपका कहना है कि 3 या 4 प्रॉप से ही मैं स्टार्ट करूँ, राइट? जी हाँ, शुरुआत में आपको 3 से 4 प्रॉप्स बहुत मोर देन इनफ होता है, क्योंकि जब आपके पास धीरे धीरे क्लाइंट्स बढ़ते हैं तो आप धीरे धीरे, जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है तो आपने इन्वेस्ट करना चाहिए स्टार्टिंग में इन्वेस्ट। लेकिन अब इतने प्रॉप्स मिल रहे हैं मार्केट में, इतनी अलग अलग टाइप के प्रॉप्स मिल रहे हैं मार्केट में, तो उसमें से 3 से 4 कौन से चुनूँ कि भाई कौन से प्रॉप्स मैंने स्टार्ट में लेने चाहिए 3 से 4? तीन जो मैं प्रॉप सजेस्ट करती हूँ, वो एक होता है उसमें बेड, जो कॉमनली सबके पास होना चाहिए। तो बेड कौन से स्टाइल का होना चाहिए ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड रहेगा। दूसरा होगा कि बाउल, एनी बाउल, राउंड शेप, मून शेप, हार्ट शेप, कोई भी स्टाइल में, किसी भी स्टाइल का बाउल एक मैं सजेस्ट करती हूँ। ओके, और थर्ड जो प्रॉप है वो होता है बास्केट। तो ये जो तीन अलग अलग प्रॉप्स हो जाते हैं कि आप एक क्लाइंट को 3 डिफरेंट सेटअप्स में आप इजीली फोटोज दे सकते हैं। ओके, तो चलो आप जैसे बता रहे कि 3 सेटअप तो ये कर देंगे, और उसके लिए जो बेसिकली फैब्रिक लगता है रैपिंग के लिए, तो वो भी सिर्फ 3 ही हम लोग रखे या उसमें ज़्यादा वैरायटी लेनी है? जी हाँ, मैं 3 से 4 ही सजेस्ट करती हूँ स्टार्टिंग में, जब तक आपका पोर्टफोलियो नहीं बिल्ड होता, तब जब तक आपका इनकम स्टार्ट नहीं होता है, तो उसके लिए 3 से 4 रैप्स भी आप सफिशिएंट होते हैं। तो और 3 से 4 बैकग्राउंड्स, क्योंकि आप ये जो कॉम्बिनेशन से आप जो कलर चूज़ करने वाले हैं, वो अगर आप न्यूट्रल कलर खरीदेंगे तो, मतलब स्पेसिफिकली पिंक और ब्लू अवॉइड करके बाकी अगर आप कलर सिलेक्ट करते हैं तो आप ये सभी के लिए यूज़ हो जाता है। तो ओके बढ़िया, तो क्योंकि सवाल तो बहुत सारे हैं, अब इतने प्रॉप्स मिल रहे हैं मार्केट में, वो प्रॉप्स कहाँ से खरीदे, वो रैप्स कहाँ पे खरीदे, राइट? ये तो और आगे के सवाल है, शायद वो आगे आगे एक एक सेशन में आगे आएंगे। लेकिन इसमें अब प्रॉप्स हो गए, स्टूडियो का भी आपने बताया कि आप हमारे स्टूडियो में भी जैसे है वैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या स्पेशल कोई अलग लाइट्स होती है जो चाहिए हमें, या फिर किस टाइप की लाइट्स होनी चाहिए? जनरली मैं जो लाइट मैं खुद यूज़ करती हूँ वो है लिनक्रोम D-Lite 1, और दूसरा ऑप्शन अगर मेरे पास लाइट सोर्स अवेलेबल नहीं है, मैं अगर होम सेशन के लिए गई, उनके यहाँ पे पावर कट हो गया, तो मैं नेचुरल लाइट में भी सेम शूट करती हूँ। Okay. तो नेचुरल लाइट में भी आप, अगर आपके स्टूडियो में बहुत अच्छा नेचुरल लाइट का सोर्स है तो नेचुरल लाइट पे आप शूट कर सकते हैं। ओके ओके, मतलब नेचुरल लाइट और एक स्टूडियो लाइट्स पर, ऐसे दोनों ऑप्शन हम लोग
कर सकते हैं। तो नेचुरल लाइट के भी कुछ और सेशन हमें लाने पड़ेंगे कि नेचुरल लाइट में किस तरीके से वो शूट कर सकते हैं या फिर स्टूडियो लाइट में शूट कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि आप सिंगल लाइट पर ही अभी शूट कर रही है, ओके, सो शायद इससे मैं एक स्टार्टअप तो कर सकूँ और सवाल ख़त्म नहीं होने वाले। लेकिन आपने जो बताया उसके लिए थैंक यू सो मच कि शायद इससे स्टार्ट कर आगे काम करते हुए कई और क्वेश्चंस आएंगे जो कि हम लोग आगे लेके आएंगे। लेकिन क्वेश्चंस आते ही रहेंगे और ये सब क्वेश्चंस के लिए शायद मैं ये कहना ज़्यादा भी उचित रहेगा कि प्रियदर्शनी के कई सारे वर्कशॉप्स होते रहते हैं, ऑनलाइन भी वर्कशॉप्स अभी शुरू है और ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रियदर्शनी आगे लेकर आ रही है। तो ये सब क्वेश्चंस आगे और बेहतरीन तरीके से उसका स्किल डेवलप करने के लिए आप प्रियदर्शनी को फॉलो कीजिए। द किड्स फोटोज ब्रांड है और जहाँ पर आप उनसे जुड़ सकते हैं, उनका काम देख सकते हैं और स्किल शायद देख देख कर भी आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि जब कोई सेशन आप उनका अटेंड करेंगे तो उनका स्टाइल आपको पता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, ओके। सो आगे का और कुछ सेशंस हम लोग लेके आएंगे आपके लिए न्यू बॉर्न फोटोग्राफी पर। आप भूलिए मत सब्सक्राइब करने के लिए फोटो ऑटो यूट्यूब चैनल, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज मिले। और बेल बटन, बेल आइकॉन पर आप क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट जो हम लोग सेशन लेके आएंगे तुरंत आप तक पहुँचे। और आगे हम डिजिटल जो बैकग्राउंड्स है वो जब लोग खरीद रहे अभी और उसके ऊपर वो एडिट कर रहे हैं फोटोज़, तो उसके ऊपर बात करने वाले नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, टेक केयर।